फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं 10 मिनट में बनने वाला पोटैटो पार्टी स्नैक। मेरा पूरा वीडियो देखकर इस स्नैक को आप बड़ी आसानी से झटपट बना पाएंगे और मेरा वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 4 बॉयल्ड आलू ले लिए हैं, इनको ग्रेट करेंगे। आप अपने फ्रिज में आलू अवश्य उबले हुए रखें। छिलके सहित रखे हुए उबले आलू आराम से 10-15 दिन चल जाते हैं फ्रिज में रखकर। आलू आपके लिए बहुत अच्छा सेवियर का काम करते हैं। अगर आपके यहाँ अचानक मेहमान आ जाएं या बच्चे किसी बात पर चिड़चिड़ा रहे हैं कि उन्हें खाना नहीं खाना है, जो बनाया आपने कुछ अच्छा सा बनाना है आपको, तुरंत आलू निकालिए, कोई भी बढ़िया सा स्नैक बनाइए, सैंडविच बनाइए, कचौड़ी बना सकते हैं, कोई सब्जी बना सकते हैं। आलू सभी में बहुत काम आता है। देखिए, बातों बातों में हमारे आलू भी अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने ली है 1 गाजर, इसको ग्रेट कर लिया है। ये डाल देंगे। सब्जियाँ आप अपने मनपसंद भी डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद हो या आपको पसंद हो। आधी शिमला मिर्च बहुत महीन काट ली है। लगभग 50 ग्राम पनीर, इसको क्रम्बल कर लिया है। 1 टीस्पून ओरिगैनो, ओरिगैनो का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, तीखा आप अपना स्वाद अनुसार रखें, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून नमक, नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं, और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्टफिंग को यहाँ पर भी ऐसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा हम इसमें तड़का दे देंगे बटर का और चीजों का, तो बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ जाएगा। ये मिक्स हो गया, अब हम ले चलते हैं। एक बार इसमें हल्का सा तड़का लगाते हैं। पैन चढ़ा दिया है, पैन गर्म भी हो गया। इसमें डाल देंगे 10 ग्राम बटर। इसी में 1 टीस्पून ऑयल भी डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 लहसुन कलियां, जिनको हमने ग्रेट कर लिया था। एक कटी हुई हरी मिर्च, 1 महीन कटा हुआ प्याज। तो अब इसको हल्का भून लेंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून उबले हुए कॉर्न। तो अब ये स्टफिंग जो हमने वहां बनाई थी यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्टफिंग को मीडियम हीट पर थोड़ी देर भून लेंगे। भूनने से स्टफिंग का स्वाद ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। स्टफिंग में स्पाइसेस और नमक थोड़ा हायर साइड में रखा जाता है, तभी स्नैक का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। स्टफिंग को निकाल देंगे एक प्लेट में, जिससे अच्छी तरह से ही ठंडी हो जाए, फिर आगे का काम करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारी स्टफिंग जो है वो ठंडी हो रही है, तब तक हमने यहाँ पर 3 बड़े आलू छील लिए हैं। ये आलू हमने कच्चे लिए हैं, उनको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के लिए पहले से हमने स्क्वायर बोल में पानी निकाल लिया है, और ग्रेटर ये वाला यूज़ करेंगे, बहुत मोटा नहीं यूज़ करना है। देखिए, आलू हमारे घिस गए, इनको हम 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। कच्चे आलू हमने कद्दूकस करके अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं। देखिए, एकदम इसका पानी निकल गया, एकदम क्लियर पानी निकल गया। तब हमने इसको निकाल के छन्नी में रखा है, और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। स्टफिंग हमारी पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपको जो भी साइज रखना उस हिसाब से आप बॉल्स बनाइए।
क्योंकि ये स्टफिंग की तरह यूज़ होगी ऊपर से और आलू का जो है कोटिंग होगी, इसलिए थोड़े छोटे बॉल ही बनाइए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आलू के लच्छों को हाथ से दबा दबा कर अच्छी तरह इनका पानी निकाल दिया है। आप देख सकते हैं एकदम ये ड्राई से हो रहे हैं, एक्स्ट्रा नमी नहीं है इसमें। मैं दिखा दूँ इसमें कितना सारा पानी निकला, ये देखिए इतना पानी इसमें निकला है। अगर हम यहाँ पर लच्छों का पानी ना निकालते तो इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर रहता कि बाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालना पड़ता, जिससे पोटैटो स्नैक्स का टेस्ट खराब हो जाता। तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। यहाँ पर बाइंडिंग के लिए हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। लगभग 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक। देखिए लच्छों में अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर और जो मसाला हमने डाला है मिक्स कर देना है और काम तुरंत शुरू करना है। यहाँ पर हाथ रोकेंगे नहीं, क्योंकि जो नमक डाल चुके हैं इससे आलू तुरंत पानी रिलीज करेंगे। यहाँ पर आलू के लच्छे इस तरीके से हम हाथ में रख लेंगे, ये देखिए इस तरीके से बीच में स्टफिंग वाली बॉल रख देंगे। देखिए बॉल तैयार हो गई, ऐसी सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। स्टफिंग को अच्छी तरीके से सील कर दी, जहाँ पे भी लगे कुछ कम लग रहा है थोड़ा सा इस तरीके से उठाइए, ऐसे रख दीजिए आलू के लच्छे। देखिए हमारे सारे पोटैटो स्नैक्स बॉल तैयार हो गए हैं, अब इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम हीट पर गरम कर लिया है, अब इसमें हम थोड़े थोड़े स्नैक बॉल फ्राई करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया गोल्डन तैयार हो गए हमारे पोटैटो स्नैक्स, और हम इनको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे क्रिस्पी और टेस्टी पार्टी स्नैक बॉल्स तैयार हो गए हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।